सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स ध्यान दें, एक जरूरी सूचना है आपके लिए। सूचना को ध्यान से समझें और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि गलत स्टेप लेने से आप और आपके जैसे आपके अपने लोग जरूर बचें। अगर आप या आपके बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करते हैं 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, तो दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है, उसका नाम है यूथ फॉर एजुकेशन। इस प्रोग्राम के बारे में आपने अभी तक सुन लिया होगा, जान लिया होगा। मैंने वीडियो बनाया कि भाई ये प्रोग्राम क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। बच्चों के कमेंट आए कि सर इससे ज्वाइन कैसे करना है, तो मैंने बच्चों को ज्वाइन करने का जो प्रोग्राम प्रोसीजर है वो वीडियो बताया। उसके बाद क्या करा बच्चों ने, फटाफट से उसे ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब ज्वाइन कर लिया बच्चों ने, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको NOC जरूर सबमिट करनी है अपने क्लास टीचर को, अपने स्कूल में। NOC यानी कि नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो कि पेरेंट्स की तरफ से स्कूल में दिया जाएगा प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले। अगर आपने दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इस NOC को जरूर अपने टीचर्स को सेंड करें। NOC के बारे में अगर कुछ जानना हो आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने NOC जो सबमिट नहीं करी क्लास टीचर को, तो भले ही आपने प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप इस प्रोग्राम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कुछ भी आपको जानकारी हो इस प्रोग्राम के बारे में, यूथ फॉर एजुकेशन के बारे में, फॉर्म मतलब कैसे इसे ज्वाइन करना है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कोई डिफरेंट अगर आपके डाउट चल रहे हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और नई अपडेट के लिए सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।